अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ने अपने नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पैदाइश के हवाले से एक तकरीर की, उस पर हम तफसील में बात करेंगे। और उस पर जाने से पहले हम आपको ये बताते चले कि बड़ी एक खुशखबरी है, अहम खबर है कि यूएई के मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो क्राउन प्रिंस है वो कल आएंगे। और आपको मालूम है पाकिस्तान के इस वक्त जो सूरत हाल है इक्तसादी तौर पे, ये एक्सपेक्टेड है कि 10-12 बिलियन का पैकेज होगा और वो उस पर कुछ अग्रीमेंट साइन वगैरह होंगी। और इस पैकेज के बारे में हम बहुत दिनों से सुन रहे थे और आखिरकार लगता है कि कल ये जब आएंगे उसके बाद ये यकीनन पैकेज जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो गुड न्यूज़ फॉर अ स्टार्टर। अब हम चलते हैं जो मेन हमारी स्टोरी है आज की, और स्टोरी इसलिए अहम है क्योंकि बिलावल भुट्टो ने न कि सिर्फ अपने नाना के हवाले से बात की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, उन्होंने आज जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है उस पर बात की। और नाज़रीन, हम बार बार कहते हैं कि यकीनन सियासत अहम है और बहुत अहम है। हमारे दोस्त आप लोग कभी कभी नाराज़ होते हैं और कहते हैं हर वक्त सियासत, लेकिन जो सियासत है वो मुल्क के स्याह को सबाक बनाती है। और आजकल जो इस वक्त इक्तसादी सूरत हाल है, यकीनन जो दोस्त भी हैं हुकूमत के और जो नाकिदीन हैं वो सब यही बात कह रहे हैं। आप देख लें जो इंडिकेटर्स हैं, सूरत हाल बिगड़ी हुई है और बिगड़ती जा रही है। हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिसके नतीजे में अभी वो स्टेबिलिटी नहीं आई। तो बहरहाल इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीनियर एनालिस्ट होस्ट अपने प्रोग्राम के आसमा शिराजी, वेलकम टू द प्रोग्राम आसमा। नाज़रीन, हमारे साथ कराची से ज्वाइन किए मज़हर अब्बास ने, जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट और जियो से इनका ताल्लुक है, वेलकम टू द प्रोग्राम मज़हर। और मुजाहिद बरेलवी साहब नाज़रीन हमारे अपने चैनल पे होते थे, बहुत से चैनल्स पे गए, फिल वक्त डॉन न्यूज़ पे हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम मुजाहिद बरेलवी साहब। ओवैस तौहीद हमें अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। नाज़रीन, शुरू करते हैं हम थोड़ी सी जो बिलावल भुट्टो ने जो बातें की है। बिलावल भुट्टो ने, ये सुनिएगा, अथॉरिटेरियनिज्म के हवाले से उन्होंने आमरीत के हवाले से क्या बात की, सुनिएगा। Today we are entering one of the worst eras of authoritarianism. वो कह रहे हैं नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की जो तारीख का सबसे बदतरीन अथॉरिटेरियनिज्म है, हम वो जो है फेज उसको वो एंटर कर रहे हैं। लेकिन यकीनन इलेक्शन हुए 2018 में, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस पर काफ़ी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कहते हैं लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है। और लेकिन बिलावल भुट्टो क्यों कह रहे हैं कि वर्स्ट authoritarianism, we are entering the worst phase of authoritarianism in our history. Asma, your take. देखिए, मैं एग्री करती हूँ इसके ऊपर, मैंने तो बहुत मरतबा लिखा भी है जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम एक अजीब किस्म के निज़ाम के अंदर है जिसमें ना हमारे पास जमहूरियत है, ना हमारे पास आमरीत है, ना हम कह सकते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत है क्योंकि पार्लियामेंट बिल्कुल मफलूज है माफ़ कीजिएगा। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार? खुद सियासी जमातें हैं। थोड़ा सा पहले वापस आ जाएं, क्या पीपल्स पार्टी को अथॉरिटेरियनिज्म, फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, इसका जरा नाज़रीन को समझाए मतलब क्या? मतलब ये कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कह रहे हैं कि आमरीत, वो ये कह रहे हैं कि जो एक निज़ाम थे मुख्तलिफ उसमें एक ऐसा निज़ाम जिसमें अथॉरिटी एक फर्द वाहिद के हाथी है तो उसको वो कर रहे हैं, या एक ऐसे निज़ाम के अंदर जिसमें कुछ लोग या कुछ कोई एक शख्स का दो लोग जो है वो exactly. ताकत ताकत का मरकज बदल रहा है, ताकत का मरकज जो है वो पार्लियामेंट से कहीं और जा रहा है। और यही अथॉरिटेरियनिज्म है कि अवाम के हाथ में जो पार्लियामेंट नुमाइंदा है अवाम की, उसके हाथ से फैसले कहीं और चले गए हैं। तो ये बात इसमें तो देखिए, इसमें जब पीपल्स पार्टी खुद अथॉरिटेरियनिज्म के तहत बलोचिस्तान में हुकूमत गिरा रही थी तो उस वक्त भी तो वो अथॉरिटेरियनिज्म थी ना, उसकी फॉर्म इनको समझ नजर आ रही थी। इलेक्शन से पहले जो लपेटी थी पीएमएलएन की गवर्नमेंट सिचुएशन, पॉलिटिकल कू जो था वो हुआ था, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। अच्छा, तो अहम बात कह रही है आप, ये कह रही है मुजाहिद बरेलवी साहब, आसमा शिराजी ये कह रही है कि जो मंबा है ताकत का और डिसीजन मेकिंग का वो एक या दो शख्स की तरफ चला गया, पार्लियामान से हट गया है। बट इंपॉर्टेंटली वो कह रही है कि इसमें पीपल्स पार्टी की भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बरेलवी साहब, एक तो खैर अगर जरदारी साहब बयान पे आप तबसरा मांगती तो ज़्यादा मुनासिब होता अभी भी, क्योंकि मैं तो बिलावल भुट्टो को, जरदारी को अभी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की निगाहों से ही देखता हूँ और शायद एक मुनासिब भी नहीं लगता मुझे कि मैं उनके एक बयान पर। और ये ठीक है कि उन्होंने हालिया बरसों में बहुत कुछ सीखा है,
और अभी 26 दिसंबर की रात को भी हमारी जब गुफ्तगू हुई तो मैंने उनको ये बात याद दिलाने की कोशिश की कि आपके शहीद नाना और शहीद बीबी ने किस तरीके से पॉलिटिक्स की। एक वक्त आया कि शहीद बीबी ने अपने वर्ष दुश्मनों को, अजहर खां को, जिन्होंने भुट्टो साहब को कोहला के पुल पे लटकाने की बात की थी, उन्हें 70 क्लिफ्टन में वेलकम किया, लेकिन आप लोग तो इसके लिए तैयार नहीं। आप जब तहरीक इंसाफ से लड़ रहे थे, सॉरी नवाज शरीफ से लड़ रहे थे, तो आपने तहरीक इंसाफ से किया, जिसका इशारा आसमा शीरादी ने किया कि 43 की असम्बली को 5 और 5 की 43 कैसे हुई, संजरानी साहब कैसे सेनेटर हुए, फिर बाद में जॉइंट कैंडिडेट नहीं आ सका प्राइम मिनिस्टरशिप का, स्पीकरशिप का, तो ये जो, और फिर मुशरफ के दौर को क्यों भूल जाते हैं कि वर्स्ट क्या मुशरफ साहब से भी वर्स्ट था, क्या ज़ियाउलहक से भी वर्स्ट था क्या उससे पहले, तो ये जो ज़रा सी बात। और ख़ुद मैं सॉरी टू से, क्योंकि भुट्टो साहब की शहादत और उनका काम इतना बड़ा है, वरना कुछ लोग कहते हैं कि बहरहाल उनका जो एक इब्तदाई धोन ढूंढने के बाद वो भी काफ़ी उस तरफ चले गए थे, विक्टम आए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मिराज मौत खान, जे रहीम वगैरह, तो ये कि ज़रा सा लाल भुट्टो साहब को गालिबा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, यकीन पढ़ते होंगे, ज़रा तारीख का थोड़ा मजीद मुताला करें तो फिर इस तरह के वर्ड यूज़ करें जो तकरीर लिखने वाले दे देते हैं उनको, इस तरह की हो सकता है। सॉरी टू से, मैं नसीम ज़हरा अपनी ज़ाती बात पे कह रहा हूँ। नहीं नहीं, सॉरी टू से क्या, आप आए अपनी ज़ाती तज्जिया ही देने। जी मज़हर, आपका इस पर क्या तज्जिया है? देखिए, मुझे बताएं कि अथॉरिटेरियन रूल होता क्या है, जिस तरह जो बिलावल कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून के लोगों को उठा के जेलों में बंद कर दिया गया है? मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये जितने भी मुकदमात में वो नैप के थ्रू बंद हो रहे हैं या FIA इंक्वायरी कर रही है, इनमें तो कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाया हो। अब वर्स्ट काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन रूल जब आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले 71 साल में जो रूल्स रहे हैं उनसे ज्यादा वर्स्ट इसको करार दे रहे हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि ये उनका हिस्टोरिकली दुरुस्त नैरेटिव है। और दूसरा भी, जिस तरह मुजाहिद कह रहे थे कि भुट्टो साहब ने 73 का आइन बनाया, लेकिन उसके अगले ही दिन उस आइन में मेजर तब्दीलियां की और फिर पूरे पूरे 4 साल इमरजेंसी के तहत उन्होंने गुजारे, तो ये क्रिटिसिज्म होता है, अपनी जगह आप क्रिटिसाइज करें बिल्कुल, और भुट्टो की जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरह बहुत से लीडर्स के प्लस पॉइंट्स होते हैं, बहुत से नेगेटिव भी होते हैं, बेनजीर भुट्टो के साथ भी ये रहा, लेकिन पीपुल्स पार्टी को उन्हें जज करना चाहिए 2007 के बाद, खासतौर पर जो पीपुल्स पार्टी के 5 साल रहे थे उसमें उन्होंने क्या नहीं किया। ठीक है, आप ये बताएं, जिस मुकदमे का वो सबसे ज्यादा जोर करते हैं, अजहर खान केस, उन 5 साल के अरसे में पीपुल्स पार्टी का उस मुकदमे को आगे बढ़ाने में क्या रोल रहा है उसमें? उसके बाद इसी तरीके से नून लीग के बारे में भी कहा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो, ये जरूर है GIT बनी है, GIT के उसमें बहुत से ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है नहीं हो रही, लेकिन ये जिस तरह आसमा कह रही थी कि आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज थी चीजों को बेहतर बनाने की, लेकिन आप एक दूसरे से लड़ाई से बाहर निकले तो चीजें बेहतर करें, आप तो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन में चले जाते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिशें करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हमारी अनफॉर्चुनेटली, तो आप बेसिकली डिसएग्री करते हैं कि जो उनकी स्टेटमेंट है। उवैस, आपने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द लेट कमर्स को वेलकम कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ये बताइएगा कि ये सुनिएगा, बिलावल भुट्टो ने जो बात की, ये कह रहे हैं अभी कि लड़ाई झगड़े आपस में रहे सियासतदानों के, लेकिन आज उन्होंने मियाँ साहब के हवाले से कुछ एक बात भी सिंपथेटिक कर दी, लेकिन और भी क्या कहा विच हंटिंग के हवाले से? मिटिगेटेड विच हंटिंग of the opposition in the name of accountability. अकाउंटेबिलिटी की तनकीद की विच हंटिंग हो रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, और ये कि हमने एक मुंतखब जो प्राइम मिनिस्टर है उनको देखा कि उनको निकाला गया। जी उवैस, ये क्रिटिसिज्म है और वो अथॉरिटेरियन जो उनकी थीम है कि ये अथॉरिटेरियनिज्म है, उसी के उसमें मेरा ख्याल है कंटिन्यूएशन में वो कह रहे हैं। देखिए, बिलावल से हमें जो भुट्टो का रोमांस का सफ़र है उसमें उसकी झलक आती है, तो बिलावल की बहुत सारी चीज़ों को ना चाहते हुए भी हम कहते हैं कि ये अपने दिल से बात कर रहा है, नीयत अच्छी होगी और उसमें कुछ ना कुछ वजन भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुट्टो के रोमांस से निकल कर आगे सफ़र तय करना है।
हमने परवरिश भुट्टो के रोमांस में पाई है, लड़काना के अंदर हमने खुद देखा है उस रोमांस का जब उरूज था। लेकिन अब क्या इनको सोचना है कि उस रोमांस से ये रिवाइव कर सकते हैं पार्टी को? दूसरी बात ये रसीम कि इस वक्त जो दो इनके जो नैरेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक तो ये कहते हैं कि विच हंटिंग हो रही है और दूसरी बात ये कर रहे होते हैं कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक हो रहा है और विफाक जो है कमजोर हो जाएगा। विच हंटिंग की जब बात करते हैं, मुझे बताएं कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कल जो फैसला हुआ है कि चौधरी ब्रादरान को ने कहा कि क्लीन चिट दे दी, काजी खत्म करें केस, उस पे आप आज आप देखिए कि आज पहली बरसी है असगर खान साहब की और किस तरह असगर खान केस जो है वो क्लोज हुआ है FIA ने खुद की, उसमें दो जर्नल उस पे प्राइम मिनिस्टर जो कल फवाद चौधरी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सख्त उस पे नोटिस लिया ली, लेकिन नोटिस लेकिन नसीम लेकिन नोटिस लिया वो पहले भी था जब FIA ने किया, उस रोज भी फवाद चौधरी ने यही बयान दिया था। बात यह है कि अमली तौर पर क्या हो रहा है, क्या हल्फिया बयान नहीं हुआ असद दुरानी साहब का उस वक्त के ISI के सरबरा, तो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट्स आ जाएं फिर उसको उससे जरा नथी करें, फिर बताएं कि हालांकि इस पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये कह दिया है हुकूमत ने कि जी प्राइम से को प्रेजेंटेशन दी जाएगी, FIA देगी और वो नहीं चाहते कि केस बंद हो, बट एनीवे गोइंग बैक टू अकाउंटेबिलिटी साहब का ऑन द रिकॉर्ड ये उनका मैसेज है कि वो नहीं करेंगे, मगर फाइल तो बंद हो गई ऑलमोस्ट तकरीबन अभी मंडे को दफन हो गया, मुशर्रफ वाला जो केस है वो भी देखिए इसमें कुछ आप कोर्ट्स को भी कहे ना कि मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी बैलेंसिंग फैक्टर के जरिए से कोई चीज नहीं हो सकती इस मुल्क के अंदर, नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है कि अगर आपने एक केस NRO का भी बंद तो दूसरे NRO वाला भी बंद। जो एक जुमला मैं ऐड करना चाह रहा था नसीम, जो जैसे अस्मा कह रही है कि विच हंटिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली आप यूज कर रहे हैं अपने नजरियाती पॉइंट ऑफ व्यू को और इस वक्त GIT के इंकशाफात और संगीन इल्जाम जो आपके दामन पर लगे हुए हैं, अभी तक आज दिन तक ये उस GIT रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करके इन्होंने ना मीडिया को बताया है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बताया, उसको इन टोटैलिटी डिसमिस किया है, लेकिन ये इनका फर्ज नहीं है क्या? कोर्ट में जाके करेंगे? नहीं, कोर्ट में जाके करेंगे तो रोजाना आप कह रहे हैं 27 दिसंबर को, आप देखिए कि जिस रोज नजरियाती अहदो पैमा का दिन होता है गरीब खुदा बख्श में, उस रोज तो आपने GIT पे सारा सर्व किया, चाहे वो कोई भी वहां पे मुकर्रर हो। कहने का मकसद ये है तो कि वो ना करते, इट वाज अ पॉलिटिकल नहीं, तो पॉलिटिकल जब कर रहे हैं तो आप ये भी तो करें ना कि जो संगीन इल्जामात हैं, मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें एक साथ गड़बड़ नहीं कर सकते, ये अलग अलग बयान करना होगा अगर आगे सफर इन्हें तय करना है। अच्छा देखें ना, आप लोग ये सब बात कर रहे हैं और यकीनन इनका जो अपना वक्त है और मेरा ख्याल है आसमान ने हिट द नेल ऑन द हेड के जो बलूचिस्तान को खत्म करने के लिए उसमें आपने क्या किया, लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो ने शिकायत क्या की है, देखिए वो क्या, मैंने कभी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया एंड सो ऑन, हैव नेवर हेल्ड पब्लिक ऑफिस नॉर हैव आई एक्टिवली बीन इन्वॉल्वड in any business. Alhamdulillah, I've never done any corruption. My hands are clean. Near the end of their investigation, right after my political tour of Gilgit-Baltistan, I was sent a notice by the JIT. After my Sakhar Jalsa, I was sent a questionnaire by the JIT. नाज़रीन बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया और मुझे बिल्कुल नाजायज़ मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो GIT ने नोटिस लिया मेरा और मुझे नोटिस भेजा है, वो जो मैंने जलसे किए हैं और जलसों में एक सख्त पोजीशन ली है उसके नतीजे में ये मेरे साथ हो रहा है। तो जहाँ हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये खुद पीपल्स पार्टी का एक तरीका कार रहा है, उसके नतीजे में देख रहे हैं कि आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जो बिलावल भुट्टो रिपीटेडली कह रहे हैं कि जी मुझे टारगेट किया जा रहा है और नाजायज टारगेट किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन बिलावल भुट्टो यकीनन अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, अब क्या चेयरमैन काफ़ी देर से, एंड ही इज़ गोइंग टू बी द फेस, वो फ्यूचर है पीपल्स पार्टी का, तो जो बात वो कहेंगे उस पर बात तो करनी पड़ेगी। हमारे दोस्त अभी कह रहे थे बरेलवी साहब के, उनकी बात पर क्या हम बात करें, बट बहरहाल आज बिलावल भुट्टो ने यह भी ज़रूर कहा कि उनके जो नाना के हवाले से, उन्होंने कहा जो अभी तक कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई है कि रेफरेंस दिया गया है कि जो जुडिशरी है वो उनको ये कहे कि
उन बेसिकली रूल जुल्फिकार अली भुट्टो इनोसेंट, और उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिकायत उन्होंने बहरहाल की। ये सुनिएगा कि उन्होंने पब्लिक ऑफिस के हवाले से जो कहा वो आप सुन चुके। मैं चाहूँगी कि आप मुजाहिद बरेलवी साहब और आप मज़र थोड़ी सी बात करें इस पर कि बिलावल भुट्टो जो ये शिकायत कर रहे हैं और इस शिकायत के साथ साथ एक और भी चीज़ नत्थी कर दें जो उन्होंने बात की है। कुछ उन्होंने कहा कि मुहब्बे वतन आजकल कौन लोग हैं, ये सुनिएगा। आज इस मुल्क में जो लोग आईन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, मीडिया पर लगाए पाबंदियों पर बात करते हैं, मिसिंग पर्संस पर बात करते हैं, उन सब को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो सबसे बड़ा पेट्रियट्स है और उनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा जी मजहर, ये यकीनन उन्होंने एक तरफ अपनी बात कर रहे हैं और साथ उन्होंने ये बात भी सामने ले आए कि जी ये लोग पेट्रियट्स हैं लेकिन इन पर तनकीद होती है। मजहर देखिए, सियासी तौर पे ये बात बिल्कुल ठीक है, सियासी तौर पे जाहिर है इस बात से डिसएग्री नहीं किया जा सकता, लेकिन किस बात से डिसएग्री नहीं किया जा सकता? ये जो लोग जुल्म के खिलाफ बात करते हैं या इसके खिलाफ बात करते हैं जिसके वो कह रहे हैं कि उनको उनको आप गद्दार या उस तरह नहीं कह सकते। मैं सियासी तौर पे या असल में आईनी तौर पे और हकीकत है? देखिए जो सियासी तौर पे बात होती है वही आईनी और कानूनी बात होती है। नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है, नॉट एट ऑल। मजहर मेरी बात सुनाए, आप ही सुनेंगे। देखिए अब ये जो भुट्टो के केस को रीओपन करने की बात कह रहे हैं, मैंने कई साल पहले उस वक्त जस्टिस जोराब पटेल भी जिंदा थे और अभी कुछ साल पहले मैंने जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम से भी ये बात की थी। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस तरह की हिमाकतें ये ना करें। जो तारीख ने भुट्टो को मकाम दिया है, पहली चीज ये कि कानूनी तौर पर यह मुकदमा दोबारा खुल ही नहीं सकता क्योंकि इसमें फैसला हो चुका है, इसमें रिव्यू हो चुकी है, इसमें एक कन्फेशन है वो अपनी जगह जो नसीम हसन शाह का था, उसके बाद ये केस वैसे ही जुडिशियल मर्डर डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जब कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे लेके बैठेगी तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। ठीक, इसलिए इस चीज को दूसरी जो अगेन फिर मैं बात करूंगा असगर खान केस की। असगर खान केस ने 2012 में फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था और FIA को टाइम दिया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उस वक्त किसके पास थी, उनसे कहा था कि आप उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पैसे दिए और जिन्होंने पैसे लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों नहीं की कार्रवाई? मुशर्रफ को किसने बाहर भेजा? मुशर्रफ के केस से आंखें किसने बंद की? इस चीज का भी तो जवाब बिलावल भुट्टो को देना चाहिए ना। PMLQ के साथ इत्तेहाद क्यों किया गया? ये सारी वो चीजें हैं कि जब आप ये बातें करते हैं तो फिर जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करते हैं तो फिर ये सवाल उठते हैं कि आपने वक्त और जब इस वक्त जब क्रूशल टाइम था जब पॉलिटिकल लीडरशिप को ज्यादा यूनाइटेडली आगे बढ़ना चाहिए था उस वक्त ये फेल हुए। फिर गवर्नेंस के मामले, देखिए GIT से आपको क्लियर होके आना पड़ेगा। जरदारी साहब जो बैगेज कैरी कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है। वो कुछ भी कहे, अब वो कहते हैं कि मैं कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। तो आप कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के अगर डायरेक्टर आप हैं तो फिर अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे एक डायरेक्टर हो या एक से ज्यादा डायरेक्टर हो। तो मेरा ख्याल है चीजें को क्लियर करने की जरूरत है। बाकी सियासी तौर पे ठीक है उनका बयान अपनी जगह। जी बरेलवी साहब, ये जो खास तौर पे वो बात कह रहे हैं, मेरा ख्याल शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर वही बात है ना, मुझे इस वक्त तो पास में अच्छा नहीं लगता और खासतौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में तो गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता, वरना मियां शरीफ को भी उस वक्त जेल में डाला गया था। लोग कहते देखें बुजुर्गी के बावजूद उन्हें जेल में डाला गया। फिर लोग ये कहते हैं शायद थोड़े अरसे के लिए रहा होगा, मरियम नवाज के पास भी कोई पब्लिक ऑफिस। अच्छा ये बरेलवी साहब, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक बरेलवी साहब, ये आर्गुमेंट जो है ना कि ये वाला कि अगर नहीं रहा तो और ये बात है कि ये जो फैमिलीज जो आया है, क्योंकि इन लोगों ने फैमिलीज को डायरेक्टर्स बनाया, शेयर होल्डर बनाया, जमीनें उनके नाम की और उनके बेनामी अकाउंट्स बनाए, तो अब ये इसमें मैं फिर यही कहूँगा कि बिलावल भुट्टो उनको अभी जरा इनिशियल स्टेज पे हैं पॉलिटिक्स के, खास तौर पर अभी
جو تاریخ سے اور خود پیپل پارٹی کی تاریخ سے بھی شاید انہیں پوری طریقے سے آگاہی نہیں ہے, اور جس ماحول میں ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے خاص قسم کا ایلیمنٹ ان کے ارد گرد ہوتا ہے. اور میں شاید بتا سکتا ہوں, اور شاید آپ کو بھی علم ہوگا کہ جو کچھ اسپیچ رائٹر جو ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں, ورنہ اگر وہ خود سے بات کریں تو بہت ہی ریشنل ہوتے ہیں, بہت بیلنس بات کرتے ہیں, لیکن جب تقریر کوئی ان کو لکھ کے جو جب وہ کرتے ہیں تو اور جس طرح وہ پڑھتے ہیں, اس وقت ان کا قد خود بخود چھوٹا ہونے لگتا ہے, اپنے سائز پہ آنے لگتا ہے, کبھی تو قد بڑا ہو جاتا ہے, دیکھیں بڑے لیڈر بن کے بڑھتے ہیں, کبھی قد بڑا ہو جاتا ہے اسما, اور کبھی جب آج جو سچویشن ہے مجاہد صاحب, چونکہ ماشاءاللہ بہت انہوں نے ادوار دیکھے ہیں اور اس کے حساب سے کمپیئر کر رہے ہیں ان کو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی, لیکن ہم جو اس وقت کی سیاست دیکھ رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنے قد میں کافی اضافہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی اسپیچ ان کی پارلیمنٹ کے اندر جو تھی قومی اسمبلی کے اندر, وہ اس پہ کوئی شور و غوغا نہیں ہوا اور لوگوں نے خاموشی سے سنی اور وہ میننگ فل اسپیچ تھی, اس کے مطلب اور ماخذ تھے. لیکن یہ بات بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب کہ ان کو اور زیادہ ایکسپریسو ہونا چاہیے, اور آپ ان کی آج کی جو تقریر ہے اس کی ٹائمنگ اور جگہ کو آپ اگنور مت کیجیے. ٹائمنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی آج یوم ولادت ہے اور جگہ لاہور ہے, جہاں بھی جی وہاں پہ انہوں نے کرنی تھی, مگر وہ اب یہ جو بھی وہ آگے پلان بھی کر رہے ہیں کہ وہ لاہور جائیں گے اور سیاست کریں گے, تو وہ ایک جو ایک ویکیوم ہے پولیٹیکل جو کہ لاہور کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے اس وقت, پی ایم این ایس کے اندر جانے کے لیے, مریم کے چپ ہو جانے سے, شہباز شریف کے اندر جانے سے, میرا خیال ہے کہ بلاول اس کو فوکس کر رہے ہیں. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ پنجاب کی پولیٹکس کی ڈائنمکس آہستہ آہستہ بدل رہی ہے, اور اس کو وہ کر رہے ہیں جو پہلے سندھ میں ہوتی تھی وہ پنجاب کی پولیٹکس بنتی چلی جا رہی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ کریں یا فارچونیٹ کہیں, مگر یہ ایک پوائنٹ بن گیا. لیکن جو آپ لوگ سب چاروں باتیں کر رہے ہیں اس میں تو آپ تنقید ہی تنقید کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو اس وقت مثلا بلاول نے ایک اور بات کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے, سنیے گا. ہم نے 18ویں ترمیم کر کے 1973 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا, مگر آج اس پر کھلے عام حملہ کیے جا رہے ہیں. شاید اس ملک کے ٹھیکے داروں کو اس بات کی اندازہ نہیں کہ وہ کتنا خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں نا, ایک طرف تو وہ انہوں نے بات کی تنقید اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ کی, جس میں آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں جی اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو ایشوز ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اب یہ جو 18ویں ترمیم کی بات ہے جس میں کہ پی ٹی آئی کے بالکل اتفاق کرتے ہیں بلاول سے, 18ویں ترمیم دی بیسٹ تھنگ وچ کوڈ ہیپن ٹو دس اسٹیٹ, کہ ہمارا خود چھوٹے صوبے سے تعلق ہے, جتنے چھوٹے صوبوں کو اٹانومی ملنی ہے ان میں کیپیسٹی کیپیبلٹی, وہ بحث ہم اور آپ رات بھر کرتے رہیں, وہ ایک بیسائڈ دا پوائنٹ, لیکن یہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وفاق سے خزانہ کہاں جا رہا ہے, وفاق سے وسائل کہاں جا رہے ہیں, حالانکہ وہ این ایف سی سے تعلق ہے, ناٹ ایگزیکٹلی. نو نو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اختیارات تو دیکھیں نا, میری سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ جائے مجھے بھی ناگوار گزرتا ہے نا, تو ناگوار گزرنا تو ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ اس پہ کیمپیننگ کرنی اور باقاعدہ اس پہ سازش کرنی, دیٹ از گوئنگ ٹو پرابلی ہارم دی یونٹی آف دی اسٹیٹ. آن دس پوائنٹ ہی از رائٹ, لیکن اس کی جو پیکیجنگ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, وفاق خطرے میں پڑ گیا 18ویں ترمیم سے, اس کے اوپر بحث ہے, اس کے اوپر اختلاف رائے ہے کہ یہ کیا ٹائمنگ جو پیکیجنگ ہے کیا وہ سیاست کے لیے ہے, کیا اصولوں کی بنیاد پہ ہے, نظریات کی بنیاد پہ. دوسری بات نسیم, جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے وہ جس پہ آپ سر ہلاتے جا رہے تھے جی, وہ بالکل نظریاتی طور پہ 100% بات صحیح ہے. اس ملک کے اندر لبرل پروگریسو معتدل جتنے بھی عناصر تھے انہوں نے ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھائی ہے تو اس کو دبایا. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے جتنی دہائیاں دائیں بازو یا انتہا پسندوں کو گلے لگانے میں کی ہیں, اگر اس سے ایک چوتھائی کر دیتے لبرل پروگریسو لوگوں کا, تو آج اس نیریٹو کو رو رہے ہیں ہم سب اور ریاست بھی رو رہی ہے, وہ رونا نہیں پڑتا. ابھی بھی وقت ہے کہ آگے قدم بڑھانا ہے, تو ریاست اگر ان لبرل پروگریسو لوگوں کو آگے چلے تو جس طرح آسیہ بی بی کے فیصلے پر سب لوگوں نے, پوری دنیا نے واہ واہ کی, اسی طرح ہم آگے قدم بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو اس پہ تو 100% صرف ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیے, جو پولیٹیکل ویکیوم اس وقت کریٹ ہو چکا ہے نا, اور خود اس میں حکمران جماعت بھی اب شامل ہو گئی ہے, اس کو فل کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی قیادت چاہیے.
पूछूंगी आपसे क्या का मतलब क्या वेरी गुड लीडरशिप मैं बिल्कुल उसके ऊपर बात करने व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल वैक्यूम नाज़िम यकीनन ये जो रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो ये रहा है क्योंकि एक सिस्टम को चलने नहीं दिया गया तो आर्टिफिशियली पैराशूट करवाया है इस सियासत में चाहे इंतहा पसंद है चाहे कोई है चाहे ABCD मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर लिबरल और उसका नहीं जो है डिवाइड उस पर बिलीव करती है खाले कानून की बालादस्ती की बात करें तो फिर सब बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कभी आप कानून को मोड़ दें किसी को फ़ायदा देने के लिए कभी आप उसको तोड़ दें किसी और को फ़ायदा देने के लिए ये जो रीत है इसको ख़त्म होना पड़ेगा बहरहाल ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं गुफ्तगू जारी रखेंगे और आसमा शिराजी से पूछेंगे उनका मतलब क्या स्टे वेलकम बैक नाज़रीन बात हम करें बिलावल भुट्टो की आज तकरीर हुई है उसके हवाले से और वो पूरी जो मुल्क में एक सियासी सूरत हाल है और मेजर जो इश्यूज़ हैं एक तरफ अकाउंटेबिलिटी है दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि GIT एंड सो एंड सो फोर्थ और 18वीं तरमीम आसमा शिराजी प्रोग्राम के ब्रेक से पहले ये कह रही थी कि कोई वैक्यूम किस चीज़ का है एक क़यादत का लीडरशिप का आप देखिए ये जो सारे हैं ये कौन है देखिए दो लीडर्स आपके ऑलरेडी जेल में हैं जो अपोजिशन पार्टी देखिए जमहूरियत और पार्लियामानी जमहूरियत किस पे चलती है तो वेंटिलेशन चाहिए होती है जमहूरियत प्रैक्टिकली जो है वो तो यही होती है ना कि आप एक एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और नहीं आपको लगता है कि पिछले चार महीनों में पार्लियामेंट के अंदर कोई एक कानून भी हुआ है पास अच्छा उसको आप कह रहे हैं उसके भी वैसे भी लेकिन वो तो पॉलिटिक्स वैसे भी आप देखिए कि जो महंगाई की शरह में जिस तरह से इजाफा हो रहा है जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन बन गई है जिस तरह से कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही है पॉलिटिकल वैक्यूम बिल्कुल है बिल्कुल उसकी वजह यह कि दो लीडर आपके अंदर है एक जो है वो खुद साख्ता जेल के अंदर है जरदारी साहब जेल जाने वाले हैं उनके ऊपर तलवार लटक रही है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो रही है एक केस पर कह रही हैं कि जाने वाले हम तो उसको मामले को डिस्कस नहीं करें हम तो एज्यूम करें कि आगे मुस्तकबिल में क्या हो सकता है तजिया करें लेकिन उस देखिए मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाह रही हूँ कि जब आपके मुल्क में ऐसी सिचुएशन हो तो ये किसी को सूट नहीं करता ये उन ठेकेदारों को भी सूट नहीं करता जो कि स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उसके लिए आपको एक्टिव पॉलिटिक्स रखनी है ताकि वेंटिलेशन हो ताकि लोग बात करें लोगों की बात सुनी जाए उसमें अगर बिलावल वो रोल प्ले कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए और करना चाहिए वेंटिलेशन किस चीज़ की जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन इस वक्त है उसकी क्या जो नैप की जो कार्रवाइयां हो रही है जो बाकी चीजें हो रही है उसके ऊपर क्या उस फ्रस्ट्रेशन को खत्म नहीं होना चाहिए बेशक वैसा ना उससे मुत्तफिक हो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतनी माहिर है हमारी बहन उस्मा कि उसने पीछे मैं पीछे था तो मेरा सर इलाके में देख ले सामने स्क्रीन लेट मी गो टू मजर 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 नाबीना नहीं मजर सामने पॉलिटिकल वैक्यूम है इस मुल्क में नहीं मैं नहीं समझता पॉलिटिकल वैक्यूम है देखिए वैक्यूम क्या चीज होती है वैक्यूम तो ये होता है ना कि ये जैसे नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में चले गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तितर बितर हो गई है या जरदारी साहब जेल में चले गए हैं और पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है तो वैक्यूम तो उस वक्त क्रिएट होता है बिलावल भुट्टो देखिए बिलावल भुट्टो के पास बड़ा टाइम है अभी और चीज़ों से आदमी इंप्रूव भी करता है मरियम नवाज साहिबा के पास बड़ा टाइम है तो वैक्यूम तो नहीं है पॉलिटिकल वैक्यूम हाँ ये जरूर है आप ये कह सकते हैं कि नहीं वो जेल में है तो वो कैसे पॉलिटिकली एक्टिव है वो तो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है सिर्फ लीडर दोनों भाई आप वैक्यूम कैसे कह रही हैं तो वैक्यूम ही है ना सर के अंदर लीडरशिप क्राइसिस हो सकता है लेकिन पॉलिटिकल वैक्यूम अस्मा मतलब वैक्यूम वो तो नहीं होगा नून लीग का क्राइसिस जी मजहर मेरा ख्याल है कि ये जो है ना सिचुएशन नसीम बीबी नवाज शरीफ तो जेल में उस वक्त गए जब उनके प्राइम मिनिस्टर थे उनकी हुकूमत थी खाकान अब्बासी साहब को तो कबूल ही नहीं करना था जब उनके कायद को जो है अंदर कर दिया गया था जेल में तो और अदालत ने किया था नैब ने किया था ना उस वक्त उनकी हुकूमत थी तो वैक्यूम कहाँ था नवाज शरीफ साहब जेल में जब गए और उनकी हुकूमत में गए नहीं मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जब जेल में होती है तो तहरीक और तेज चलती है तो तहरीक की तो नहीं है तहरीक की तो नहीं है मुजाहिद साहब वो शहीद भी जेल में रही जिला वतन रही तहरीक चलती रही
तो ये नहीं होता कि पॉलिटिकल लीडर जेल चला जाए तो वो तो फिर पार्टियों की कमजोरियां होती हैं। वो हो गई कमजोरी, उसका नतीजा तो अच्छा नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड जी, मेरा ख्याल है कि एक ये तो इशू है जिसकी तरफ आसमा इशारा कर रही है कि कुछ लेवल्स पे फ्रस्ट्रेशंस हैं, जिस पे आप सबने एग्री किया जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी मीडिया के हवाले से कुछ उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी जो उन्होंने पीटीएम की बात की, हालांकि जो डीजी आईएसपीआर ने कल स्टेटमेंट दी है, परसों हमने इंटरव्यू में परसों बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, सब वेलकम करते हैं, क्यों भाई, वी ऑल वेलकम दैट स्टेटमेंट। जी जी, आप मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन क्यों नहीं यूनाइट हो रही, क्या वजह है? इनके अपने इंटरेस्ट है ना, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस भी है इनके पास। नहीं फिर भी है तो सही ना, मतलब देखिए उनकी अपनी कमजोरी है। अच्छा, इतने जबरदस्त एनालिस्ट इकट्ठा बोलेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर तफसील में इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे हमारे एनालिस्ट बात करते सियासी सूरतेहाल पे, और ये कह रहे थे कि सियासी जमातों को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने, आपने आपको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हाँ, इश्यूज ज़रूर हैं, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन द ओनस इज ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। बिलावल भुट्टो ने आज बात की इकोनॉमी के हवाले से भी, कुछ सुनिएगा। द न्यू गवर्नमेंट इज नाउ नियरली 6 months इन टेन्योर। इट स्टार्टेड ऑफ with fits and starts, with jerks and indecisions, with U-turns justified as hallmarks of great leaders. The worst is that the new setup continues to be plagued by indecisions, by lack of direction, and a total absence of resolve. The new year will be the toughest on our economy. तो नाज़रीन, बात इकॉनमी की भी इन्होंने की कि ये जो सूरत हाल है 2019 में गड़बड़ की तरफ जाएगी, जो भी हमने सुना है उसमें, तो उन्होंने यू टर्न्स की, इंडिसिजन की बात की। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम एरिया जिसमें इंडिसिजन की बात होती है, जिसमें क्लैरिटी की कहा जाता नहीं है, और जिसका आप असर देख रहे हैं इक्तसादियात में इस मुल्क में, तो उस पर आप क्या कहेंगे उवैस? इज़ बिलावल राइट अबाउट दैट? जी देखिए, रवैये और तरजीहात का तो मसला है पीटीआई को, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा खतरा है सियासी तो पीटीआई को अपनी सफ़ों से है, चाहे वो रजाक दाऊद को की कंपनी को ठेका देने की बात हो, और फिर उसके बाद एक लॉजिक भी ढूंढ रहे हैं कि नहीं जी ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो डॉक्टर फारूक सलीम को डिसओन करने का मसला है कि पहले ताल्लुकी फिर ला ताल्लुकी, ये तो बात बिल्कुल सही है कि इनकी तरजीहात और रवैयों का मसला है। और अभी तक मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ हिजब इख्तलाफ से हुक्मरान जमात के जो एक माइंड सेट है उसमें नहीं अपने आप को रख सकी, वो भी बिहेव एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे कर रही है। इकोनॉमी में मजर कहा जाता है सबसे ज्यादा, जो आप असर देख रहे हैं इकोनॉमी में देख रहे हैं, बाकी चीजें तो चलेंगी बाहर, लेकिन इकोनॉमी, आप तो कराची में बैठे हैं, बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, जो इन्वेस्टर की बात है, जो शिकायत है, जो एक सेंस ऑफ पैरालिसिस है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए नसीम, पीपल्स पार्टी का वोटर कौन सा रहा है, और पिछले 10 साल में जो नया वोटर आया है उसका क्या बयानिया है? जो नया वोटर आया है जिसमें यूथ शामिल हैं, जिसमें फैमिली शामिल हैं, उनको अगर उनसे आप गुफ्तगु करें तो उनका बुनियादी बयानिया यह है कि मुल्क की तबाही की जिम्मेदार सियासतदान है। अब मैं एग्री नहीं करता, लेकिन जनरली एग्री नहीं करता, लेकिन उसका नेरेटिव यही है, इसलिए वो इमरान खान की तरफ गया, इसलिए उसका नेरेटिव ये कि इन्होंने करप्शन के जरिए मुल्क को खा गया, वो बिलीव करता है। आप कोई काउंटर नेरेटिव उससे नहीं लाते, आप कैसे काउंटर नेरेटिव लाएंगे उस पर? फिर जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो अर्बन मिडिल क्लास है वो प्राइवेट जॉब्स की तरफ देखती है, वो प्राइवेट उसकी तरफ देखती है। आपका वोटर कौन सा रहा है जिसपे आपने, जिसको मजबूत किया ही नहीं? वो आपका स्टूडेंट्स रहा है, वो आपका लेबर रहा है, वो आपका प्रेजेंट रहा है, वो आपका वुमेन रही हैं, माइनॉरिटीज रही हैं। इस तरफ आपका आपका आपने कोई काम ही नहीं किया। आज भी सिंध में स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी है, आज भी सिंध में ट्रेड यूनियंस नहीं बनाई जा सकती। तो ये जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो चली गई एक तरफ, और जो नया वोटर आया है उसका तो बयानिया, वो जरदारी साहब को कैसे आइडियलाइज करेगा, वो जरदारी साहब की तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसने तो पिछले 15-20 साल में सुना ही यही है
کہ وہ کبھی 10% کبھی 100% اس طرح کی ایکوزیشن رہی ہیں جس پہ اس نے بائی اینڈ لارج بلیو کیا اس چیز کو, اور یہی یہی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی جو ہے وہ مین ریزن پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا, پیپلز پارٹی اور نیون لیگ کا خراب گورننس رہا ہے اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی. مگر وہ بات کلیئر ہے, میرا خیال ہے ہم بات کریں اکانومی پہ. میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, آئی موو ٹو آسمان ویری کوئکلی, کہ اکانومی پہ جو اس وقت صورت حال ہے, یعنی کہ وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہونی چاہیے. خیر ابھی تو 6.2 بلین یو اے ای سے آیا ہے, اور کن شرائط پہ آیا ہے, اس سے زیادہ کن شرائط پہ آیا ہے, انویسٹمنٹ وغیرہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. آئی ایم ایف کے اوپر ابھی تک ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے, حالانکہ ساری شرائط پوری ہو گئی ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے اندر بالکل وہ اس پہ سب سے زیادہ ڈسکریجڈ ہے, کہ وہ سمجھتے تھے کہ تبدیلی آئے گی اور تبدیلی نہیں آئی اس طرح سے. ان کے بہت ساری چیزوں کے اندر خیر وقت دینا چاہیے اس حکومت کو, اور یہ کوئی بہت جلدی کوئی جادو کا چراغ, لیکن سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ سمت اب اس میں ابھی تک نظر نہیں آئی کہ ایک اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اپنے جو لائے عمل ہے وہ کیا بنایا. وہ صرف اور صرف ایڈ فوکسڈ ہے کہ ہم ایڈ لیں گے بغیر نہیں آ سکتی. جی اکنامک اسٹیبلٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر exactly. میرا خیال یہ کہ نہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہی ہے, کیسے مظہر؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا, جتنے بھی پچھلے 5-6 مہینے میں ایشوز کھڑے ہوئے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہوئے نا, چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ کانفرنٹریشن ہے, اسمبلی کے اندر ہے, اسمبلی کے باہر ہے, آپ نے گورنمنٹ کے ذریعے گورنمنٹ کے طریقے سے کم بیہیو کیا اپوزیشن کے طریقے. وہ تو بالکل صحیح بات ہے, مگر کہ رویے کا مسئلہ ہے, اکانومی پہ دیکھیں, اکانومی پہ یہ بات آسمہ کی ٹھیک ہے, تھنگس ٹیک ٹائم, لیکن آپ جیسے آپ انڈیپینڈنٹ رائٹرز کو بھی دیکھیں, اکانومسٹ کو بھی دیکھیں, اور جو پرانے جو گاہک ہیں جو رہے ہیں اور جنہوں نے ہینڈل کیے, چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز, چاہے یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا کم کرنا, چاہے یہ تمام جو چیزیں, اور کس طریقے سے وائٹ کالر کرائم کے آپ پیچھے جاتے ہیں, جائیں ضرور لیکن ایک پیرالیسس کا ماحول جو بن جائے, تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ تو تنقید ہوتی ہے. نہیں بالکل ہوتی ہے. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دو اس وقت مسائل ہیں, تحریک انصاف اپوزیشن کے کمزور پوائنٹ کرپشن اور احتساب پہ زور دے رہی ہے, اور ساری منسٹریز اسی پہ لگی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ ایک دو منسٹریز, جو منسٹر کو اٹھا لیں وہ چور ڈاکو فلاں فلاں, ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ کہیں نہ کہیں کمزور پوائنٹ ہے. دوسری جانب جو دونوں اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں معیشت کے اوپر, اور وہ تحریک انصاف کو دھکا دے رہی ہیں سیاسی طور پہ معیشت پہ. اور زیادہ اپنے آخری بات میں ضرور کروں گی, دیکھیے پارلیمنٹ کو جس طرح مفلوج پارلیمنٹ ہے نا, اس طرح سے نہ حکومتیں چلتی ہیں, نہ سیاست چلتی ہے, نہ جمہوریتیں چلتی ہیں, اور نہ ہی ملک چلتے ہیں. بالکل پارلیمنٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے, بے توقع.